बसमीमआज़ ख़वान वजरात अलकम मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर डाक्टर इस्लाम है और मैं पाकिस्तान स्टडी सेंटर पिशावर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हूँ और कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाता भी हूँ मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो 1973 की थ्री के पार्ट फोर से मुतल है आ, याद रहे कि 1973 की कंस्टिट्यूशन के कुल 12 पार्ट्स हैं और हर पार्ट मुख्तलिफ साइजेस और मुख्तलिफ नवीयत के चैप्टर्स पर मुश्तल है बास पार्ट्स कम होते हैं साइज़ के लिहाज से और वो सिर्फ़ एक चैप्टर पर मुश्तमिल है लेकिन बास पार्ट्स जो हैं वो ज़रा तवील है लिंथी है और वो एक से ज्यादा चैप्टर्स पर मुश्तम हैं इस वक्त जो मैं आपके सामने ये पार्ट पेश कर रहा हूँ पार्ट फोर ये असल में इसका जो मेन टाइटल है वो प्रोवेंस है यानी आयीन का वो हिस्सा जिसमें सूबों से मुतालिक़ तफसीलात और सूबों के अंदर गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है की क्या सूरत हाल है ये सारी बातें इस चैप्टर में बयान की गई है ये चैप्टर बहसियत मजमू चालीस आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इसके अंदर कुल तीन चैप्टर्स हैं। तो लिहाजा ये न तो साइज के लिहाज से बहुत छोटा हिस्सा है आइन का और न बड़ा है बहर हाल आप कह सकते हैं कि दरमियानी साइज का ये एक चैप्टर है ये ये एक हिस्सा है और उसके अंदर जो चैप्टर्स है तीन वो भी दरमियानी साइज के हैं पार्ट फोर का जो चैप्टर नंबर वन है वो गवर्नर्स के हवाले से है ये जो चैप्टर है ये इसके अंदर आर्टिकल 101 से आर्टिकल 105 तक है ये यानी आर्टिकल 101 से 105 तक इसमें सिर्फ गवर्नर से मुतल बातें हैं जैसे मिसाल के तौर पे आर्टिकल 101 में कहा गया है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी कहा गया है कि देयर शेल बी गवर्नर फॉर ईच हु हुल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये थोड़ा सा एक फ़र्क है गुज्त कंस्टिट्यूशनस और इस कंस्टिट्यूशन के दरमियान कि पहले जो है हमारे यहाँ तारीखी तौर पे और रिवायती तौर पर गवर्नर का तकर सदर का शवाबदीदी इख्तियार या डिस्क्रिशनरी पावर हुआ करता था लेकिन ये आन जो है ये चूंकि एक पार्लिमानी तर्स का आन है और विफाक़ी आन है इसलिए इसमें प्राइम मिनिस्टर को ये अहमियत दी गई है कि वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट में सदर को अपनी राय बताए और इस राय की बायदा उसका ख्याल रखा जाएगा अगरचि गवर्नर जो हैं वो सूबे में सदर का एजेंट और नुमाइंदा होता है लेकिन चूंकि पार्लिमानी निज़ाम में एग्जेक्टिव जो है वो आंसरेबल और अकाउंटेबल होती है एक इलेक्टेड इसम्बली को इसलिए सदर पाकिस्तान जब भी ये तकर करेगा तो आर्टिकल वन जीरो वन की रू से वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ज़रूर लेगा आर्टिकल वन जीरो टू उसके से मुतालिक है याद रहे कि आन में एक शेड्यूल है शेड्यूल थर्ड या ती, तीन नंबर का जो शेड्यूल है उसके अंदर स्टेट के जितने भी फंक्शनरीज़ फंक्शनरीज है उनके आ, सदर से लेकर और आप नीचे के लेवल तक आकर जितने भी फंक्शनरीज है उनके हल्फ नामों के ड्राफ्ट्स मौजूद हैं चुनाच जो भी बनेगा किसी भी रियासती ओहदे के लिए मनतखब होगा या मुकर होगा तो वो अपने हिस्से का हल्फ उठाएगा यहाँ पे आर्टिकल 102 में जो ओथ के बारे में कहा गया है कि बिफोर एंट्रिंग अपॉन द ऑफिस द गवर्नर शल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल ये बात आ गई कि थर्ड शेड्यूल में जो आ, आपके सामने ड्राफ्ट है किसी हल्फनामे का गवर्नर से मुताल तो वो अल्फाज को दोहराएगा लेकिन उनसे यह हल्फ लेगा चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट आपने सदर के मामले में नोट किया होगा कि सदर साहब से हल्फ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेगा आ, आर्टिकल 103 इस हिस्से का जो है इस हिस्से का चैप्टर नंबर वन यानी गवर्नर से मुताल जो चैप्टर है उसमें आर्टिकल गवर्नर की कुछ क्वालिफिकेशंस को बयान करेगा बयान करता है और आर्टिकल 104 जो है वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली टू एक्ट और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन हिज एब्सेंस, यानी जब गवर्नर मौजूद नहीं होगा तो फिर उस वक्त प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर है वो एक्टिंग गवर्नर के हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा uh, ये आर्टिकल वन जीरो फोर कहता है कि व्हेन द गवर्नर बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान और फॉर एनी अदर कॉज इज अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस द स्पीकर ऑफ द प्रोवेंशियल असेंबली एंड इन हिज एबसेंस एनी अदर पर्सन एज द प्रेजिडेंट मैन नॉमिनेट शल परफॉर्म द फ गवर्नर द गवर्नर रिटर्न टू पाकिस्तान आर एज देश में रिज्यूम फंक्शन यानी मतलब ये है कि जब गवर्नर साहब या मुल्क से बाहर हो या किसी मजबूरी के तहत तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के काबिल ना हो तो पहली बात तो ये है कि उसी सूबाई असम्बली का जो स्पीकर है वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा लेकिन अगर स्पीकर भी मौजूद नहीं है, स्पीकर भी बाहर मुल्क में है और स्पीकर भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे अपने फ़रज़ अंजाम दे तो फिर ये सदर ममलिकत के पास है कि वो किसी भी शख्स को नॉमिनेट करेगा कि वो गवर्नर के एबसेंस में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे चैप्टर नंबर वन यानी गवर्नर का आखिरी जो आर्टिकल है वो गवर्नर uh, के एडवाइस से मुताक है कि गवर्नर के लिए लाजमी होगा कि वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अमल करे अल्फ़ाज़ ये है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ इस फंक्शन द शल एक्ट ऑन एंड इन एक्कॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द चीफ मिनिस्टर ये भी एक खूबी है और हुसन है कंस्टिट्यूशनल जो आपके सूबे के इखतीर हैं और सूबे के अंदर जो ख़ुद मुख्तारी है या आप कह सकते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम की बरतरी है कि गवर्नर को बाकायदा पाबंद किया गया है कि वो कैबिनेट जो प्रोविंशियल कैबिनेट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस के वो पाबंद होंगे तो खातिन हजरात पार्ट फोर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर जो गवर्नर से मुतल था और जो आर्टिकल 101 से 105 तक था उसको हमने बयान कर दिया अब हम आते हैं चैप्टर नंबर टू ऑफ पार्ट फोर और वो है प्रोविंशियल इसम्बलीस के मुतल याद रहे कि ये जो चैप्टर है ये नस्बता तवील है इस हिस्से में कि ये आर्टिकल वन जीरो सिक्स से शुरू होता है और आर्टिकल वन ट्वेंटी एट पर जा ख़त्म होता है इसमें प्रोविन्शल असम्बली से मुताल मुख्तलिफ तफासिल और डिटेल्स बयान की गए हैं मिसाल के तौर पर आर्टिकल वन ज़ीरो सिक्स हमें पाकिस्तान के चारों सूबाई इसम्बली के मम्बरान की तादाद और उनके जो स्ट्रेंथ है इसम्बलीस के वो हमें ये आर्टिकल बताता है चुनाचे आगाज़ होता है बलूचिस्तान इसम्बली से जिसके बारे में आ, इस आर्टिकल 106 में ये तफसील मौजूद है कि बलूचिस्तान इसम्बली में जनरल सीटें 51 वन होंगी ख़ीन की एलेवन होंगी नॉन मुस्लिम्स की तीन होंगी चुनाचे टोटल जो मेंबरान की तादाद है बलूचिस्तान इसम्बली में वो 65 है वाज रहे कि ये तादाद सबसे कम है तमाम सूबों की तादाद से कम है इसके बाद नंबर आता है खैबर पखतनख्वा की प्रोवेंशल असम्बली का जिसमें जनरल सीटों की तादाद 123 है और वेमेन जो है वो 28 है तादाद में और नॉन मुस्लिम्स चार है तो इस तरह टोटल तादाद जो यहाँ पे बनती है वो 155 हंड्रेड है यहाँ पे भी मैं ये बात वाज़ करता चलूँ कि जब फाटा जो है वो सूबे का हिस्सा नहीं था तो उस वक्त टोटल तादाद हमारे सीटों की 123 थी लेकिन जब से फाटा को खैबर पखतुरखा में ज़म कर दिया गया है तो सूबे क्या के रकबा बढ़ा है बल्कि बल्किम्बली में मम्बरान की तादाद वन ट्वेंटी फोर से बढ़कर वन फिफ्टी फाइव हो गई है इसके बाद पंजाब असम्बली का नंबर आता है जो जिसमें मम्बरान की तादाद पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज्यादा है उनके यहाँ जनरल सीटें टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन हैं और खातीन की तादाद 66 या छियासठ है नॉन मुस्लिम्स आठ की तादाद में हैं चुनानच पंजाब असम्बली की टोटल स्ट्रेंथ 371 है और आखिरी जो नंबर आता है वो सिंध का आता है मेरे ख़्याल से लगता ऐसा है कि यहाँ पे इसम्बलीस की आ, के जो नाम दिए गए हैं वो हरूफी तहजी के लिहाज से हैं वो साइज़ या किसी और लिहाज से नहीं हैं चुनाच सिंध जो हैं उसके यहाँ एक सौ तीस जनरल सीटें हैं सूबाई असम्बली में वेमेन की ट्वेंटी नाइन सीटें हैं और नॉन मुस्लिम की नाइन सीटें हैं चुनाच इनकी टोटल तादाद वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट बनती है यहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि सिंध में नॉन मुस्लिम्स की सीटें सबसे ज़्यादा है शायद उसकी वजह ये भी है कि सिंध में नॉन मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो इतनी ज़्यादा है कि आम तौर पर जनरल सीटों पर भी हिंदू कम्यूनिटी के लोग या दीगर कम्यूनिटीज़ के लोग इलेक्ट होकर आते हैं तो आ, ये हुआ आर्टिकल वन जीरो सिक्स जिसमें तमाम प्रोविंशियल असेम्बलीस के असेम्बलीस की स्ट्रेंथ्स और उनमें मेंबरान की तादाद बताई गई है आर्टिकल वन ज़ीरो सेवन ऑफ दिस चैप्टर हमें बताता है कि प्रोविंशियल इसेम्बली की ड्यूरेशन कितनी होगी ये बात तो शायद सबको मालूम है कि नेशनल असम्बली की तरह प्रोवेंशल असेंबली जो है उसकी मियाद भी पांच साल है चुनाच आर्टिकल इस तरह है किस फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शेल स्टैंड डिजोल्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म यानी अगर किसी वजह से ये यह असम्बलीरती तौर पर डिज़ल ना हो तो फिर इसकी जो उम्र है और मियाद है या जिसको टर्म कहते हैं या लाइफ स्पैन कहते हैं वो पाँच साल का है आर्टिकल वन जीरो ऐट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है इनका भी वही स्टेटस है जो नेशनल असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है आर्टिकल वन ज़ीरो नाइन में है कि प्रोविंशियल असेम्बली का सेशन बुलाने का इख्तियार पास है तो ये इख्तियार आर्टिकल की रू से गवर्नर के पास है द गवर्नर may फ्राम टाइम टू टाइम समन द provincial assembly टू मीट एट सच टाइम and प्लेस एज ही thinks फिट एंड क्लॉज टू ऑफ दिस आर्टिकल सेज दैट ही विल प्रोरो द प्रोवेंशल असेम्बली यानी सेशन बुलाना और फिर उसको बर्खास्त करना ये गवर्नर का इसताक़ है और उसका लजस्लेटव पावर है लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर प्रोविशल इसेम्बली का अजलास अपोजीशन या दीगर मंबरान के मुतालबे और डिमांड पर बुलाया जाए जिसको पार्लीमानी में रिक्विजिशन सेशन कहते हैं तो जब रिक्विजिशन सेशन हो यानी उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक ख़ास तादाद में अरकान जो है एक पिटिशन पे साइन करे और वो स्पीकर को सबमिट करे कि बाज़ ऐसे कौमी अहमियत के मसाइल है जिन पर सूबाई इसम्बली बहस करना चाहती है तो अगर वो तादाद बराबर हो जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस में उसके लिए मुकर है तो स्पीकर के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि वो उस सेशन को तलब करे चुनाचे रिक्विज़िशन सेशन जो है उसका उसको बुलाने का स्पीकर के पास है और उसको बर्खास्त करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास है गवर्नर का एक और लिजिसलेटि पावर आर्टिकल 110 या 110 में बयान किया गया है कि वो हर पार्लिमानी साल के आगाज पे सूबाई इसेम्बली से खताब करने का हक भी रखता है इस्तेकाक भी रखता है ये आर्टिकल कहता है कि द गवर्नर मे एड्रेस द प्रोविंशियल इसेम्बली एंड मे फॉर दैट परपज रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द मेम्बर्स तो जब गवर्नर आएगा खताब करने के लिए तो उस दौरान जो है तमाम मेंबरान की अटेंडेंस लाजमी होगी और जब गवर्नर का स्पीच ख़त्म होगी वो तो उसके बाद उसकी स्पीच पर एक जनरल डिस्कशन शुरू होगा याद रहे कि ये इख्तियारदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट से मुतल हासिल हैं कि सदर साहब भी हर पार्लीमानी साल के आगाज़ पर आ, पार्लिमेंट की किसी एक सेशन या जॉइंट सेशन से खिताब करने का इस्ताक़ रखता है आ, ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर बरतानिया और अमेरिका में ये इस्टबलिश्ड एक ट्रेडिशन है कि बरतानिया की मलका जो कि वहाँ की सरबराह ममलिकत है वो भी हर साल बरतानी पार्लियामेंट से खिताब करती है और इस तरह अमेरिकन प्रजिडेंट भी हर साल या मुख्तलफ वक्फ़ों से स्टेट ऑफ द यूनियन ख़ताब करता है अपनी कांग्रेस से और उसमें भी इन दोनों सूरतों में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी और यू एस पार्लीमेंट भी उन पर डिबेट जनरेट करती हैं आर्टिकल वन वन टू में डिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली है जो या तो अपने मियाद ख़त्म होने पर डिजॉल्व हो जाएगी या ये लीडर ऑफ़ द हाउस यानी चीफ़ मिनिस्टर को भी हासिल है कि वो चाहे तो सदर साहब को गवर्नर साहब को आ, आ, इस इसम्बली के आ, मियाद से पहले उसको डिज़ोल्व करने का एडवाइस दे सकता है ज़ाहिर उस एडवाइस के लिए कोई बुनियाद मौजूद होगी वो उसमें ज़रूर ये मेंशन करेगा कि इसेम्बली के मेंबरान या दिलचस्पी नहीं रखते या इसम्बली में सही तरीके से कानून साजी नहीं हो रही तो अगर वो बुनियादे मज़बूत हो तो गवर्नर उनके उस एडवाइस पर असम्बली बर्खास्त कर सकता है ये बात जहन में रहे कि अब वो चीज़ मौजूद नहीं है आन में कि कोई सदर पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करे या कोई गवर्नर अपनी मर्जी से किसी प्रोविंशियल इसेम्बली को डिज़ो करे इसके बाद आने वाले जितने भी आर्टिकल्स है आर्टिकल वन एट तक तो वो असल में आ, मेंबरान के इस्ते और मुख्तलिफ चीज़ों से मुतल है मिसाल के तौर पर आर्टिकल एक सौ चौदह जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन प्रोविशल इसेम्बली है आर्टिकल एक सौ पंद्रह जो है वह प्रोविन्शल कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स है आर्टिकल एक सौ सोलह जो है वो गवर्नर्स एसेंट टू बिल्स हैं यानी जब इसम्बली किसी भी कानून को पास करती है तो आखिर में वो एसेंट के लिए गवर्नर के पास वो बिल आता है और वो उस पर साइन करता है आर्टिकल वन वन सिक्स या एक सौ सोलह वो मुख्तलफ़रतें बताता है कि जिसमें ये बिल जब आएगा तो गवर्नर के पास कितना वक्त होगा और क्या क्या ऑप्शन मौजूद होंगी कि जिसकी बुनियाद पर वो या तो बिल पे साइन करेगा और या उसको एडवाइस के साथ वापस करेगा आर्टिकल वन वन सेवन जो है वो बिल नॉट टू लेप्स ऑन प्रोरोगेशन ये एक कंडीशन है आर्टिकल एक सौ अट्ठारह जो है वो प्रोविनशल कंसिलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट से मुताल है आर्टिकल कस्टडी ऑफ प्रोविंशियल सौ फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स से मुतालिक है आर्टिकल 120 ट्वेंटी एनअल बजट स्टेटमेंट के बारे में है कि इसम्बली में आ, आ, ये बजट जो है वो किस तरीके से पेश होगा उसकी मंजूरी किस तरह होगी उस पर बहस किस तरह होगी और उसके बाद फिर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स किस तरह आएंगे कि मुख्तलिफ महकमे जो है वो इसम्बली के सामने अपनी ज़रूरियात रखे रखते हैं और जिस पर इसम्बली के मम्बरान को ये हक हासिल होता है कि वो कट मोशन लगाए या कटौती की तहरीकें लगाए और किसी किसी डिपार्टमेंट को बजट में एलोकेटेड अमाउंट जो है उसमें कमी करे या इजाफ़ा करे तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोविनशल इसम्बली से मुतल एक बहुत लंबी किस्म की डिस्कशन है जो कि आर्टिकल 106 से 128 तक है आ, मैं आर्टिकल 128 का ज़रूर तस्करा करूँगा कि ये पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट आर्डीनेंस यानी बाजाओकत होता ये है आर्डीनेंस अगर मुझसे एक जुमले में पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है तो आर्डिनेंस मीज़ स्पीडी लेजिस्लेशन विदाउट टेकिंग देंबली इंटू कंसिडरेशन बात होता यह है कि इसम्बली सेशन में ना हो यह हालात ऐसे हैं कि इसम्बली का सेशन बुलाना मुमकिन नहीं है तो उस सूरत में आर्टिकल वन टवेंटी एट गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि वो आ, आ, कुछ आर्डीनेस नाफिस करे आ, उसका कहना यह है कि द गवर्नर में except when the provincial assembly is in session if satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. piruska uh, the class 2 hai an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of the Provincial Assembly and shall be subject to like restrictions as the power of the Provincial Assembly to make laws. But every ordinance, is this in rakhe. that ordinance jo hai, wo ke liye nahi hota. Article 128, Class 2, Subclass A कि एवरी बी लेड बिफोर द प्रोवेंशल असेंबलीज एंड शल स्टैंड एट द 90 डेज इट्स प्रोमलगेशन मकसद ये है कि जब नाइफ़ नाफिज होगा तो नवे दिन तक तो उसकी हैसियत बिल्कुल एक इसम्बली के बनाए हुए कानून की तरह होगी लेकिन अगर नाइन्टी डेज गुजर गए तो फिर यह ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़त्म होने से पहले प्रोविशल इसम्बली ऐसा कर सकती है कि उस आर्डीनेंस को बतौर एक बिल इसम्बली के सामने पेश करे और उसको हमेशा हमेशा के लिए क़ानून का दर्जा दे दे। तो मोज़ खाती नजरात उन्नीस सौ तिहत्तर के आन के हिस्सा चहारम का दूसरा चैप्टर जो कि नस्बतान जरा लंबा था और उसने हमारा थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लिया वो हमने बयान किया जो कि आर्टिकल 106 से आर्टिकल 128 तक था अब हम आते हैं चैप्टर आर्टिकल हमारे जो पार्ट फोर है उसके चैप्टर थ्री को हम बयान करते हैं और उसका टाइटल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी पार्ट फोर का जो चैप्टर नंबर थ्री है उसका टाइटल है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये जो चैप्टर है ये आर्टिकल 129 से शुरू होता है और आर्टिकल 140 पे खत्म होता है uh, आर्टिकल वन ट्वेंटी हमें कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस शेल बी एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर बाई द प्रोविंशियल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एंड प्रोविशल मिनिस्टर एक्ट थ्रू द चीफ मिनिस्टर यानी ये वो तारीफ है प्रोविशल गोवेंट की कि वो क्या होगी प्रोविशल गमेंट दरअसल वो चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स पर मुश्तम होगी और फिर जितना भी इंतज़ामी ढांचा उनके नीचे आता है इस आर्टिकल का क्लास टू कहता है कि इन परफॉर्मेंस ऑफ इस फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर में एक्ट आदर डायरेक्टली और थ्रू द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स याद रहे कि हमारा जो उन्नीस सौ का आईन है वो चीफ मिनिस्टर को बेपना इख्तियार देता है और यहाँ पे ये क्लॉज कहता है कि जब वो अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक अंजाम देगा तो या वो खुद अंजाम देगा या मिनिस्टर्स के तहत थ्रू जो है वो अंजाम देगा आर्टिकल वन थ्री जीरो सौ तीस इस आखिरी चैप्टर का जो है वो कैबिनेट से मुतालिक है और वो कहता है ये आर्टिकल की विध द चीफ मिनिस्टर हैड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन अच्छा उसके बाद जो है आ, इसके मुख्तफ डिटेल्स हैं कि प्रोवेंशल कैबिनेट के, के क्या क्या इख्तियारगे और किस तरीके से जो है चीज़ें उनके सामने रखी जाएगी आर्टिकल वन थ्री वन जो हैं वो सूबाई हुकूमत को पाबंद बनाता है कि वो गवर्नर को इनफॉर्म रखे इसका जो टाइटल है वो ये है एक सौ इकतीस आर्टिकल का टाइटल है गवर्नर टू बी कैप्ट एन और आगे ये इस तरह है इसके अल्फाज कि द चीफ मिनिस्टर शेल कीप गवर्नर एनफॉर्म ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग बिफोर प्रोविंशल इसम्बली यानी इसमें कोई शक नहीं है कि तो तमाम चीफ मिनिस्टर्स के पास है लेकिन बहरहाल चूंकि गवर्नर एक आइनी सरबरा होता है सूबे का इसलिए ये चीफ़ मिनिस्टर के इख्तियार के हवाले से और उसके फ़रज़ में ये बात शामिल है कि वो कम अज कम गवर्नर को तमाम उन उमूर से बाखबर रखे जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल हैं और तमाम उन अमूर से बाख़बर रखे जो प्रोविशल गोरमेंट इसम्बली में किसी कानून साजी के हवाले से उसके उसके इंटेंशन हो इस तरह आर्टिकल वन थ्री टू या एक सौ बत्तीस जो है वो प्रोविन्शल मिनिस्टर से मुतल है कि उसको कौन मुकर करेगा मिसाल के तौर पर इसमें यह है कि सब्जेक्ट टू आ, क्लास

गवर्नर किसी को अपॉइंट करता है तो फिर उसको रिमूव करने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को हासिल है इसमें एक और भी उसूल है कि ये जो आ, आ, आपकी कैबिनेट है प्रोवेंशियल ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि बहसियत मजमू असम्बली के सामने जवाब होगी आ, इस चैप्टर का आर्टिकल वन त्री त्री जो है वो एक सौ तैतीस चीफ मिनिस्टर द गवर्नर में टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस द गवर्नर में चीफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड इज ऑफिस अंटल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर तो पांच साल के लिए है लेकिन जब पांच साल पूरे हो जाए तो गवर्नर साहब को ये अख्तियार हासिल है कि वो उसी चीफ मिनिस्टर से कहे कि आप जरा अपना काम जारी रखें जब तक कोई नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होकर ना आए इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसा ना किया जाए तो सूबह बगैर चीफ मिनिस्टर के रह सकता है तो इसलिए आईन जो है हर किस्म की पॉसिबिलिटी और इवेंचुअलिटी का ख्याल रखता है आर्टिकल 136 जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर है कि इसम्बली जो है किसी भी वक्त मुख्तलफ बुनियादों पर ठोस बुनियादों पर गवर्नर के खिलाफ तहरीक अदम अहतम ला सकती है और अगर उसको मंबरान की अक्सरियत वोट दे दे तो चीफ़ मिनिस्टर अपने उहदे से महरूम हो सकते हैं आर्टिकल वन थर्टी सेवन एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोवेंस की सूबे के इंतजामी इख्तियारफीलत है ये जो है इसमें यह कहा गया है कि आन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोवेंशियल गोमेंट द प्रोविंशल असम्बली में बाई लॉ कन्फर फंक्शन अपन ऑफिसर्स और अथॉरिटीज सुबार्डिनेट टू द प्रोवेंशल गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा इख्तियार है जो कि असेंबली को देता है आर्टिकल वन थ्री नाइन जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवेंशल असेंबली है ये जहन में रहे कि प्रोवेंशल असेंबली को चलाने के लिए कवानीन की एक अलग किताब है जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं तो ये जो आर्टिकल 139 है इसमें उनका तस्करा है और आर्टिकल 140 जो है वो एडवोकेट जनरल के तकर्र से मुताक है वाज रहे कि मरकज़ी हुकूमत या विफाक़ी हुकूमत के कानूनी मामल को चलाने के लिए और फिर इसम्बली में उनका ख्याल रखने के लिए एक सरकारी बड़ा लॉ ऑफिसर होता है फेडरल लेवल पे जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं और उनकी तरह सूबे में फराइज अंजाम देने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं आ, ये जो आर्टिकल फोर्टी है ये उनके हवाले से मुख्तलिफ जो उसके फराइज है या क्वालिफ़िकेशनस है उसके बारे में हमें बताता है आ, आ, मिसाल के तौर तो पर इसका जो क्लॉज वन है आर्टिकल वन का वो है कि द गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस अपॉइंट ए पर्सन ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट प्रोविंस इस आर्टिकल वन फोर्टी में एक नया आर्टिकल शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू और वह है आर्टिकल वन फोर्टी ए जिसका टाइटल है लोकल गवर्नमेंट। ईच प्रोविंस प्रशल बाई लॉ इस्टेब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड ऑफ़ द लोकल गवर्नमेंट्स। ये पहले इख्तियारहलेबों के पास नहीं था लेकिन ये अभी अभी एक कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये इख्तियार मिल गया है कि लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक तमाम तर, तर तफसीलत चाहे उसके लिए सूबे की बुनियाद पर एक्ट बनाना हो चाहे उन इधारों को जो कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस कहलाते हैं उनको इख्तियारात की मनतकली होी इख्तियारियासी इख्तियार माली इखियारा ये सारा इख्तियार जो है वो प्रोवेशल गवर्नमेंट और फिर प्रोविन्शल इसम्बली के पास आता है तो ख़िन हजरात ये अहम हिस्सा हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया 1973 सेवनटी कंस्टिट्यूशन का पार्ट फोर जो सूबों से मुतल है सूबों की बहुत बड़ी अहमियत होती है फेडरल सिस्टम में और उनको आप कह सकते हैं कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं खुदा के फजल से और ये पाकिस्तानियों की खुशकस्मती है कि 2010 में जो 18 अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसके नतीजे में सूबों को सही मानों में इंतज़ामी और लजस्लेटिव और फाइनेंशियल ऑटोमीज मिली हुई है अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान को जिंदा ताबिंद और सलामत रखे वसलम